Install WisdomC app and find multiple classes free of cost on WisdomC application. Link is in the description. So, दोस्तों, welcome back to channel WisdomC. दोस्तों, फिलहाल में आप देख सकते हैं जिस स्क्रीन पे ये है ICAI वेबसाइट और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ रखी है जो कि है December 21 के एग्जाम्स के लिए. अगर आपने ओल्ड सिलेबस में चाहते हैं कन्वर्ट करके जाना न्यू सिलेबस में तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि यहाँ पे लास्ट डेट निकल चुकी है 30 सितंबर 30th of September 2021 लास्ट डेट है. साथ में इसके अलावा दोस्तों हम कुछ और भी चीज़ें डिस्कशन करेंगे जैसे ओल्ड सिलेबस या न्यू सिलेबस कौन सा ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू रिजल्ट्स, नॉट एनी अदर वेज बट एज कम्पेयर टू रिजल्ट्स. मैं रिजल्ट्स की कुछ कंपैरिजन करूंगा जिससे कि आपको थोड़ा मोड़ा कुछ आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है. चलिए फिलहाल में देखते हैं यहाँ पे ICAI की अनाउंसमेंट कहाँ पे है. तो ये रही ICAI वेबसाइट और यहाँ पे स्टूडेंट का सेक्शन, ये अनाउंसमेंट और यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. और आप देख सकते हैं जैसे कि ये है कट ऑफ डेट फॉर कन्वर्जन फ्रॉम अर्ली स्कीम टू रिवाइज्ड स्कीम टू अपियर इन डिसंबर 21 एग्जाम्स एट ऑल लेवल्स. ये है 30 सितंबर 2021 30th of September 2021. बाकी यहाँ पे ई सर्विसेज का लिंक है, मीन्स अगर आप चाहते हैं कन्वर्ट कराना तो ये ई सर्विसेज के थ्रू आप जाकर के कन्वर्ट करा सकते हैं, कन्वर्जन करा सकते हैं. किसी को इनकेस इसमें अगर कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप मुझे कॉमेंट करके लिखिए, मैं ट्राई करूँगा एक वीडियो इसके लिए बनाने के लिए. चलिए फिलहाल में यहाँ पे तो ये बात होगी कि आपको जो लास्ट डेट है मैंने आपको ये बता दिया. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ी सी कंपैरिजन की ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस, तो बिल्कुल कंपैरिजन आप कर सकते हैं ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस की. यहाँ पे किसी को डीमोटिवेट करने का मेरा कुछ पर्पस नहीं है, मैं बस आपको कंपैरिजन एक दिखाना चाहता हूँ कि न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस एज पर रिजल्ट्स, एज पर मार्क्स कौन सा ज़्यादा अच्छा है, किस में रिजल्ट्स ज़्यादा आते हैं. सो ओल्ड सिलेबस की अगर बात करो आप CA इंटर ओल्ड सिलेबस, तो बिल्कुल यहाँ पे रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स के परसेंटेजेस काफ़ी कम है. अगर मैं बात करूं जो रिसेंट रिजल्ट आया था नवंबर 20 वाला, तो इसमें जो परसेंटेज था ओल्ड सिलेबस का ये था 1.41%. इसका मतलब कि टोटल 3000 स्टूडेंट्स अपीयर होते पूरे ऑल इंडिया में ओल्ड सिलेबस में बोथ ग्रुप में, और इसमें ओनली 44 स्टूडेंट्स पास हुए थे. वहीं अगर मैं बात करूं न्यू सिलेबस की, तो यहां पे जो न्यू सिलेबस का रिजल्ट था नवंबर 20 के एग्जाम्स का ये था 6%. तो बिल्कुल यहां पे कुछ ना कुछ वेरिएशंस हैं दोनों ही के रिजल्ट्स में. इवन अगर रैंकर्स की अगर बात करो, ठीक है, रैंकर्स के जो मार्क्स होते हैं तो ऑल इंडिया रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 की अगर आप बात करो तो ये 71, 72, 75% के आसपास में होते हैं. बट जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस में 81%, 82%, इवन 84% तक भी यहाँ पे जो रैंकर्स हैं उनके मार्क्स आते हैं. तो बिल्कुल यहाँ पे न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस में कुछ कंपैरिजन तो बिल्कुल बनता है. इसके पहले के भी अटेम्प्ट अगर आप उठा के देखते हैं, मीन्स नवंबर 2020 के अटेम्प्ट के पहले भी अगर आप कुछ अटेम्प्ट उठा के देखते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे जो ओल्ड सिलेबस है CA इंटर ओल्ड सिलेबस, तो यहाँ पे ओल्ड सिलेबस के परसेंटेजेस काफ़ी कम है, न्यू सिलेबस के परसेंटेजेस काफ़ी हाई है, काफ़ी अच्छे हैं. तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप कन्वर्ट कराते हैं तो बिल्कुल हो सकता है कि आगे आने वाले जो चांसेस हैं, आगे आने वाला जो अटेम्प्ट है, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ न्यू सिलेबस में अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिले. बट यस, अगर आपको लगता है कि ओल्ड सिलेबस काफ़ी अच्छा है और ओल्ड सिलेबस में आपकी तैयारी अच्छी है, ओल्ड सिलेबस में आप एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाओगे, तो बिल्कुल आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. आप ओल्ड सिलेबस में ही अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो बिल्कुल आप ओल्ड सिलेबस में एग्जाम दीजिए. और अगर हम बात करें न्यू सिलेबस की, तो बिल्कुल अगर आप चाहते हैं न्यू सिलेबस को कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे जो लास्ट डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है ये है 30th of September 2021. मैं अगर बात करूँ फाइनल्स की, तो फाइनल्स की अगर बात करूँ आप, तो इसमें कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि मीन्स इसमें कौन सा रिजल्ट ज़्यादा आता है, किस में रिजल्ट कम आता है. यहाँ पे एक तरीके से मिक्सड मैच है, इसका मतलब कि कभी ओल्ड में ज़्यादा आता है और कभी न्यू में कम आता है. तो फाइनल की तो इस तरीके से आप बात एग्जैक्टली कुछ नहीं कर सकते. एंड एट लास्ट यहाँ पर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ओल्ड सिलेबस में जाना है या न्यू सिलेबस में जाना है. तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ओल्ड सिलेबस में अच्छा है या आप कन्वर्ट करेंगे न्यू सिलेबस में. सो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बाकी फिलहाल में ये वीडियो यहीं तक की है, वीडियो शेयर करिए, चैनल बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी सारी नोटिफिकेशन, ऐसी सारी वीडियोस बिल्कुल आपको यहाँ पे मिलती रहती है. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर.